बंगाल की खाड़ी पर बन रहे कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों का तापमान बढ़ गया है। सोमवार को शिलांग में अधिकतम तापमान 26.90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बोरापानी में अधिकतम तापमान 31.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सोहरा में भी तापमान 28.80 डिग्री सेल्सियस रहा। आर्द्रता का स्तर पूरे हफ्ते ज्यादा रहा, जिससे लोगों को अधिक परेशानी हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से भारी बरसात की चेतावनी दी है। Yes, this time we are getting less rainfall compared to long range averages. This time it's 43% less in Meghalaya state till now what we have received. Last year in July we got 332 mm, this time we got 306 mm, and in June month we get 521 mm, and this time we got only 343 mm rainfall. Till August, till now we got 254 mm rainfall. Last year in August month we got 755 mm rainfall. Actually, in present situation, what we are getting rainfall here due to the depression in Bay of Bengal and the monsoon troughs. Monsoon trough is not in average position, it's towards the south of the normal position of monsoon trough it presently. And the depression it is forming in the northwest Bay of Bengal and neighboringhood. That's why we are getting less rain in this area. And it's a long term annual variability, we can say it's a. केरल में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए त्रिपुरा सरकार ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। बीजेपी ने त्रिपुरा सरकार ने राहत कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए दान करने का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ सीपीआईएम प्रदेश कमेटी ने भी केरल के बाढ़ प्रभावितों के लिए आम लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार स्वयं घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और स्टाफ के अन्य सदस्यों ने बाढ़ प्रभावितों के लिए अपने 1 दिन का वेतन दान करने का निर्णय लिया है। केरला में बहुत वर्षा हुआ था, 350 का ऊपर आदमी का मौत हो गया, तो और भी बहुत लॉस हुआ था। इसीलिए हमारा गवर्नमेंट कल कैबिनेट मीटिंग बुलाया था, अर्जेंट कैबिनेट मीटिंग, ये अटल जी का प्लान के बारे में किया था। लेकिन सेपरेटली हम लोग डिसीजन लिया कि केरला का गवर्नमेंट का पास आदमी के साथ को हमको साथ देना चाहिए। इसीलिए त्रिपुरा से हम लोग 1 करोड़ रुपया उनको दे दिया केरला को, ये कल डिसीजन लिया था। और भी देना चाहिए तो, लेकिन हमारा छोटा स्टेज है, तब भी हम लोग उनको हेल्प कर रहा है। इसके बारे में पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड आज आके उनको सहायता के लिए खड़ा हुआ। हम लोग त्रिपुरा का जो पीपल है वो इनके साथ खड़ा होने के लिए आज पैसा इकट्ठा कर रहे। हम लोग उनका उधर केरला में चीफ मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है उधर भेज देंगे केरला का मानुष के पास सहायता। मिजोरम की प्रशिक्षित नर्स संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर यह घोषणा की है कि आगामी 23 अगस्त को पूरे देश के नर्स एसोसिएशन के साथ ही मिजोरम की नर्स एसोसिएशन भी रैली का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि मिजोरम के कई अस्पतालों में नर्सों की कमी है, सरकार से उन्होंने रिक्त पदों पर नर्सों की नियुक्ति का आग्रह किया है। मिजोरम की नर्सों ने साथ ही केंद्र के समान पैकेज की मांग की है। हाथी और मनुष्य के बीच संघर्ष का एक और मामला सामने आया है। इस बार उदयपुर के चंपाराय बारी में एक हाथी ने शिव बहादुर जमातिया नामक व्यक्ति की बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। इस हाथी को महारानी इलाके से लाकर एक पेड़ से बांध दिया गया था। जब शिव बहादुर वहां से गुजरा तो इस हाथी ने उस पर हमला कर दिया और उसको मार डाला। बाद में वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। আজ কে ওই শিব বাহাদুর জমাতিয়া বাড়ি পাশে হাতি আসলো, এই বাড়ি থেকে
আসার পথে তাকে ধরে চুমড়ে মেরে ফেলেছে, তার উনার জায়গাতে মৃত্যু হয়েছে। হাতিটা কি এখনো আছে জায়গাতে? এখনো আছে। হাতিটা কি রাখছে এই জায়গাতে? মাউটরা রাখছে। মাউট ছিল না ওই সময়? মাউট নাই এই সময়। রাস্তাতে রাখছিল না ওই বাড়িতে? যে লোকটা মারা গেছে ওনার বাড়িতে রাখছিল? ওনার বাড়ির পাশে পাশে না।